हेलो भाई, मैं उन पवार। आज है हैप्पी न्यू ईयर सभी भाइयों को। और उन पवार इंटरव्यू फार्म हाउस पे था भाई, आपके लिए गिफ्ट मंगाया मैंने, मतलब अपने लिए मंगाया है। और वो क्या भाई, अभी बाहर भाई का कॉल आ रहा है, कुरियर वाले का भी दिखाता हूँ। और अब मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ का रिव्यू शेयर करने वाला इस वीडियो में, जो आपने शायद टाइटल में पढ़ लिया है। और वो है भाई हमारा ये डिलीवरी के थ्रू ये भाई आए हैं अपने ईको लेके, जिसमें रखा है बोट का ये वाली चीज़ भाई, देख सकते हो आप। मैंने बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगवाया था, 910-269। ये भाई रोड क्रॉस करना पड़ेगा भाई, नहीं इधर साइड ही लगा ली अपनी गाड़ी। तो ये मैंने मंगवाया है भाई अवंते बार बोट का, एक और मैंने यहाँ पे मंगवाया भाई क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। इसकी शेप तो कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही आ जल्दी है इसको। तो भाई ये पड़ा 7500 रुपये का, अमेजोन पे 8500 का था, लेकिन उनकी बोट की वेबसाइट पे AB1000 करके कूपन कोड लगता है, वो लगाने के बाद सीधे सीधा 1000 रुपये का ऑफ मिल जाता है अपने को। तो ये ले आए भाई, बहुत अच्छे रिव्यू सुने इसके, 160 वोट का ये वो है साउंड बार। तो इसमें देखेंगे भाई किस तरीके का अपने को एक्सपीरियंस मिलता है। और ये मेरे को ना फार्म पे नहीं लगाना, आपको एक इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताऊँ भाई, इसको ना तू गाड़ी में ही रख दे। ये मैंने मंगवाया है वहाँ के लिए, घर पे लॉबी में बजाने के लिए, जो लॉबी वाला टीवी है उसमें कई बार गाने सुन लेते हैं बैठ के सारे फैमिली वाले। तो फिर भाई मतलब वो उसमें LG वाले में इतनी खास आवाज़ नहीं है, रहने दे इसको, ऐसी पटक दे, ऐसी पटक दे। हाँ भाई इसकी सीट ऐसी है जैसे बाथरूम वो सीट आती है ना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। खैर देखेंगे भाई प्रॉपर रिव्यू इसका बजा के कैसा है ये ओरियन, तब पता चलेगा कि बोट में कुछ दम है या फिर ये एवे इम्पोर्ट करते हैं चाइना से सीधा सीधा। चाल देता हूँ, नंबर क्यों दिखाऊं मैं अपना, नंबर बहुत VIP है। चलो अभी रख देते हैं, घर पे चल के मिलते हैं, अनबॉक्स करते हैं इसको। अरे यहाँ यहाँ भाई देखो दिनेश, यहाँ दिनेश अभी मेरे से पूछता है क्या है। ओए ओए बैठ गया मत, सुन दिनेश पूछता भाई अभी क्या पूछ रहा था तू क्या है इसमें, मैंने कहा वही सीट है अंग्रेजी सीट। तो भाई ये कहता कौन सा, अपने कमरे के नहीं आ जाओ आप, सीट चाहिए नई फ्री में मिल रही है, बोट कंपनी की बहुत तगड़ी सीट है, बताओ। बहुत छोटी है यार, छोटी है ना, बड़ी भी नहीं है, अपने आप धो देती तो है। अजीत का चूतर कितना बड़ा है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पीछे नीचे थे या कहते कि तेरे ने तो एक और लाइन मंगानी पड़ेगी तो, है ना। आप बाहर निकल के भाग जाएगा भी लेटरिंग, और जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, जेन्युइन क्वेश्चन है। अजीत ने मंगाया अपने लड़के के लिए, बिहार के लिए लजीत, और वो सारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों के लिए ठीक है। तो भाई अपने वन से बाहर को निकालते हैं और इसको भी निकाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब फाइनली वेट, अब मैं और ज्यादा आपसे नहीं करवाऊंगा, फटाफट इसको अंदर लेके चलते हैं और खोलते हैं अपना साउंड बार। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला साउंड बार है भाई, मैंने इससे पहले होम थिएटर का सिस्टम बहुत ट्राई कर रखे हैं लेकिन आज तक भी कभी भी, अरे इसकी शेप पता नहीं किसने डिजाइन करी है, किस डिजाइनर ने डिजाइन करी है इस टाइप से इनकी बॉक्स में, पर ये तो फटा पड़ा है बॉक्स बॉक्स इसका ऑलरेडी। अरे वो अजीत भैया थे ना, अच्छा अजीत भैया नोटी बॉय, अच्छा उन्होंने फाड़ के देखो कहा है वो समझ रहे भैया कभी के सच में हम हुई तो ना आए। तो भाइयों अभी वक्त आ चुका है, तो भाई मैंने फुल फाड़ दिया है, देखिए आप फुल ऑन कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यार, कैसी पैकेजिंग है यार, अनबॉक्सिंग नहीं हालत टाइट है जा आदमी की तो यार। चल एक और टिप, और रे छी यार, ओहो गाइस बूंदी खा लो भाइयों, ये लो किसी को बच्चा लड़का हुआ है क्या हमारे गांव में जिसकी बूंदी आई है, नहीं पता। अब वैसे तो हमारे घर पे भी खूब बूंदी रहा करेगी, अब तो बूंदी बटने के दिन आ गए, सॉरी बांटने के, बांटने के भाई, बटने के नहीं है अब गाइस, कुछ समझ कुछ मत समझना, मजाक कर रहे हैं ऐसे कुछ ज्यादा खा दो ना, अरे कभी रिटर्न ना करना पड़े भाई। देखो सबसे पहले क्या क्या आपको मिलता है बॉक्स के अंदर, देखिए सबसे पहले आपको मिलता है भाई एक रिमोट, एवरीडे के 2 सेल और एक ऑक्स केबल अपनी, और बाकी पता नहीं क्या है पेपर से है कुछ, बाकी इसके अंदर देख सकते हो इस तरीके, ये वाला मॉडल नंबर है अवंते बार ओरियन 160 वोट, ये मैनुअल है कुछ इसके, और 1 साल की वारंटी मिलती है अपने को बोट की तरफ से इस प्रोडक्ट की। तो बोट का मैंने इसलिए मंगवाया भाई क्योंकि थोड़ा ना ट्रस्टेड ब्रांड है और इनका काफ़ी नाम है, शार्क टैंक में भी इनके जो फाउंडर वगैरह के
हालांकि मुझे क्या लगता है ये तो चाइना से इंपोर्ट करके बेचते हैं चीजों को, क्योंकि इनका सिमिलर एक और गोवो करके ब्रांड है, मतलब जो सेम प्रोडक्ट बेचता है गोवो कम प्राइस में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, उनका आता है 7599 रुपए में, सेम मॉडल 200 वाट के अंदर, और सेम रिमोट होता है, सेम सब कुछ होता है। तो ये रीब्रांडिंग ही करते हैं भाई चाइना से मंगवा के, मैनुफैक्चर पकड़ के, तो मुझे लगता है। बाकी जो भाई को ज्यादा नॉलेज इसके बारे में वो बताना, मुझे तो बस इतना ही पता था भाई। तो भाई मैं एक बार गोवो के बारे में भी बहुत सोचा, और क्योंकि मुझे पता है ना यार कैसे ये लोग, वही सेम चीज है, तो मैंने सोचा देखो सबसे मेन रहती है आफ्टर सेल सर्विस। अब अगर कल को खराब होगा तो गोवो करके कोई ब्रांड है उसको तो कोई नहीं पहचानता, अगर उसकी मैं धज्जिया भी उड़ाने पे आऊंगा कभी, मतलब कल को खराब हो गया प्रोडक्ट, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। लेकिन बोट को तो बहुत फर्क पड़ेगा ना, अगर इनको तो वारंटी अच्छी देनी ही पड़ेगी। बहुत कष्टों झेलने के बाद हमने इसको फाड़ ही लिया है। सबसे पहले हमारे पास है भाई ये साउंड बार, ये देखो इस तरीके का डंडा होता है। मैं देखो इस वाले टीवी के नीचे इसको लगाने वाला हूँ, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये पूरा उसके नीचे कितना बैठेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया मेरे लाइव का फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता कैसे कनेक्ट होता है, आपके सामने करके दिखाऊंगा मैं कैसे है। और भाई ये ऐसे करके आता है इसके अंदर, ये आपका हटा दे भाई इसको, और एक मिनट, और अगर जैसे ये दीवार पर टाँकना है ना अपने को साउंड बार, क्योंकि हमको तो टाँकना ही है, तो भाई हमारे पास ये दो नट पेच ये जो है ये भी है भाई। ये आ गया अपना साउंड बार निकल गया यार, देखने में तो प्रीमियम है यार, ये एकदम बढ़िया सा दिख रहा है, पन्नी वन्नी लगा के इन लोगों ने। यहाँ पे आप गौर दीजिए, यहाँ पे ये है इसकी कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले ऑक्सिन हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल है, HDMI है, और एक सब आउटपुट है। अब ये पता कैसे काम करता है, मैंने थोड़ा देख लिया था, जो मेन पावर जाती है ना वो इनमें एक को ही जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो ये वायर वाले हैं, वायरलेस होते तो दोनों में शायद अलग अलग होते हैं। तो इसमें कनेक्शन कैसे बैठता है, ये देखो ये अपना प्लग हो गया, जो जिसमें एक साउंड बार को ही मेन पावर देनी होती है हमको, सब ब्रांड का अलग अलग रहता है ये, तो हम तो पन्नी ने खा लिया। तो भाई ये जो है ना ये अपना वही लगेगा एसी करंट जो अपना घर में होता है। इसके अलावा ये यहाँ पे टकेगा, देखो दो इन्होंने पेज दिए हैं, ये दो देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये अपना टकता है। इसके बाद भाई साहब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ना, इसको कनेक्ट करने का भी सिंपल है, आप पीछे से देखो इनके वायर निकल रखी है। तो ये जो है ना सब आउटपुट ये यहाँ पे लगता है, ये यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा भाई जो ये साउंड बार है ना इसमें यहाँ पे लाइट भी जलती है, जो कि अभी आप देखोगे, और यहाँ पे इसमें बटन भी दे रखे हैं ऑन ऑफ, लाइट बंद करने का ये रहा, अगर आपको लाइट बंद करनी है प्लस माइनस। अब भाई जल्दी से इसको बजा के देख लेते हैं, यहीं पे अच्छा लगेगा तो इसको मैं यहाँ पे सेटअप कर लूंगा, और नहीं लगेगा तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। नहीं लाइट आ गई यहाँ पे, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ऑन करूँ क्या? ओ वॉल्यूम बढ़ रही है, आ गया। अच्छा, ओ भाई लाइट जल गई इसमें, देखिए लाइट बदल भी सकते हैं क्या? ना नीली जल है, नीली है। अच्छा, अरे नीचे भी है, ये तो मस्त लगेगी। अब ब्लूटूथ, ब्लूटूथ पे ना ये फुल मैंने आवाज कर दिया, अभी देखते हैं। इसमें सेव कर दो फुल, इसे लाइट बंद करता हूँ पहले। नास्तिक जो, सो गाइस पार्टी की सब अरेंजमेंट्स, अरे भाई म्यूजिक कौन प्ले करेगा? मैं, तू रहने दे भाई, तेरे का Spotify बेकार है, उस पे चलाते हैं YouTube। नास्तिक जो था आज आया माथा टेक, पहले पहले प्यार किया पहली पहली डेट, मेरी चेक वाली शर्ट जो तेरी फेवरेट, तने मिलने के चाहूं। भाई फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं ना, मतलब मेरे को यहाँ बैठने में दिक्कत आ रही है, चुभ रहा है कानों में इसकी आवाज, ट्रेबल बहुत ज्यादा है, बेस तो कुछ है ही नहीं, एडजस्ट करता हूं। आज हो गया छोरा लेट, तू है किस्मत मेरी, चालू गेल गेल तेरी गेल, भरेंगे गवाही रे ये सारे चांद तारे, तू बैठी रहे शामी छोरा भर जाऊंगा रे, किसी पे ना YouTube पे ट्रस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल ना। ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर तो बिल्कुल नहीं करूंगा यार, बंद है हमारी लोबी एकदम, बिल्कुल छोटी सी है, कुछ आवाज है यार, ये कुछ आवाज है ये भाई, वो इतनी मतलब तुम देखो रिव्यू देखो, ऐसे ऐसे फेंकते हैं लोग
भाई इतना बम्पिंग बेस, ये बेस वो बेस, यार मैंने फुल कर लिया भाई, ना कोई लाउड नहीं ऐसे ना कुछ है यार। अरे भैया हमारी तो किस्मत ही खराब है यार, एक और गाना देखूं चला के। भाई इससे बढ़िया तो एल जी की इसकी आवाज है, बेस ही तो नहीं है यार बस, कसम से इससे भी ज्यादा लाउड ये है मना टीवी यार। भाई क्या ठग गए हम लोग, बोट वालों हमारे पैसे उल्टे भेज दो। बोले यार भाइयों घर वालों को थोड़ा कहना पड़ता है वरना बहुत कुत्ते हैं कि रोज 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 मंगवाते हैं। भाई कंपनी ने भेजा है रिव्यू करवाने को सच में, बोट वालों मैं सुनता हूँ अपना गाड़ी का लगा के अपने उसमें आ जाओ, जो नए आए हैं ना मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये मैंने लोबी के लिए मंगवा लिया छोटा सा भाई, ये मैं इसमें मैंने देखो कार का लगा रखा है पूरा सिस्टम गाड़ी का, ऊपर रखे बेस ट्यूब ठीक है, चार स्पीकर लटका रखे हैं कोने में, और भाई जो आवाज है ना ऐसे हो जाता है जो एक कांच है ना ये गेट का। अरे चला के दिखा दो ना इनको। अरे छोड़ो समझ नहीं आता वीडियो में वो ऐसे, अगर समझ आते हो अगर आवाज समझ आती ना तो मैं ये नहीं मंगवाता, ये कचरा ऐसे हिल जाता है सिस्टम ठीक है। और ये भाई क्या है यार ये, अब यार ऋतिक देख भाई कोई ऑप्शन तो है नहीं, हमने ये हमेशा ऐसी चीजें स्टोर में जब सुन लो जब खरीदो, मैं कसम से 3-4 बार से हर बार पागल बन रहा हूँ और मेरी बुद्धि पे पड़ चुके हैं पत्थर। और पता है मेरी ये बेस आ रहा है तो ऐसे हमारी लाइट ऐसे वो हो रही है वो ऐसे वो जैसे कितनी हैवी बेस आ रहा हो, ब्लिंक होती है वो, हाँ जैसे कितना हैवी बेस आ रहा हो वो, ओह माय गॉड। अरे मेरे भैया चल यार इन्हें मंदिर और फ्रिज को हटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना लगा देते हैं इसको और फिर इसके ऊपर रख देंगे इसका सबवूफर। देखो भाई सही में मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन अब क्या करें हमने नसैनी वगैरह जुगाड़ लगा दिया, अभी लगाना ही पड़ेगा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्टिकल केबल पहले लगा देता हूँ इसके थ्रू ही इससे बजाऊंगा, मैंने ऑप्टिकल इसलिए मंगवाई क्योंकि ऑप्टिकल का फायदा होता है टीवी के स्पीकर से भी आवाज़ आ जाए, क्योंकि एलजी वाला है हमारा तो एलजी में ये ऑप्शन है, आप ऐसे आउटपुट दे सकते हो साउंड का कि टीवी के स्पीकर भी बजे और ये भी बजेगा, तो आवाज़ तो इसमें ठीक है, लाउडनेस तो ठीक है, लेकिन कानों में ऐसी चुभती है ना, बेस नहीं है, बेस ही तो चाहिए होता है यार, ऐसे ट्रेबल चाहिए होगा तो टीवी के स्पीकर भी फेंक ही देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऑप्टिकल केबल जो कि इसके यहाँ पे पीछे इस वाले ऑप्टिकल वाले छेद में लग जाएगी। ये तो बड़ी छोटी सी है यार, तो अब अरे रुक ड्रिल मशीन चाहिए अभी भाई, देखो ये पीछे यहाँ पे है ये इस वाले में लगेगा डिजिटल ऑडियो आउटपुट, टीवी दे तो आउटपुट आ गो। अब पहले यहाँ है साउंड बार टाके यहाँ पे पूरा डिस्टेंस ला, साउंड बार दे कि इन स्टेप पे तो पहले वो नाप ना कितना डिस्टेंस पे चौबा कटनी है, पीछे तो नाप एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, लगाएंगे देखे कितना बड़ा आएगा, ये मिनट मोहे साउंड बार दीजो आ तो जाएगा यहाँ, तो पकड़े फोन पकड़ाओ चौखट रहा किस मांगो, यहाँ ठीक लगेगा ना, आ जाएगा यहीं ठीक रहेगा, तार तारी साइड हुई ऐसे रहता लगाए हाँ। यार मैं एक चीज तो ठीक है, जैसे ही मैं ऑप्टिकल आउटपुट को लगाऊंगा ना हाँ। तो यू अंदर घुस जाएगा ऐसे, मान ले एक सेकंड जैसे मतलब मान ले घुस गो यू तो औरन में कहा रहे ना कि यू ऐसे रहे तो यार दीवार पर ढंग से टाक ना सके, या मैं यू भीतर की साइड है समझ रहे हो तू बात है, चल मैं लगा के दिखाई देता हूँ ना देख जैसे ये पुब गो ठीक है, तो अब यू अंदर की साइड दे रखा है ना तो ये एज इट इज टक जाएगा, मतलब इस तार को ऊपर से ले ली जैसे मैंने तो अब ये अटकाव नहीं करेगा, नहीं तो वो जो रहे ना और बाकी साउंड बार वो बाहर की तरफ फेंकता है इसे हाँ। वो जैसे बाहर की तरफ रहे हाँ, हाँ, तो वो फिर टके ना है जैसे वाकई हमें ऐसे ब्लो पंख के हाँ। अब यू ठीक है ना,
या मैं यू वाली चीज ठीक है, इनमें दिमाग थोड़ा बहुत है बोट बारे इनमें। चलो अब इन्हें टाक है ऊतो, चल कहीं भी हम मार लेंगे अपने आप। लेकिन उला इंच टेप गाइस सब हम करके मिलते हैं आपको। भाई हो चुका है मेरा साउंड का पूरा सेटअप, ले आ रहा हूं देखो स्टार्ट किया मैंने। अब सुनो मैं प्रॉपर रिव्यू पूछूंगा, कैसी आवाज है? कौन भारतीय? अरे सच बता, झूठे सच बता बेकार है कतई, मजा ना आयो। बेकार क्यों? 7,500 की है। 5,500 की फिर भी सही है, कान तो ना फटेगा। कितने की भी है पर कान तो ना फटेगा, आवाज भी बहुत है। के बेकार है ना, 7,500 भाई बिल्कुल ना यार, बढ़िया आवाज ना यार। लाइक ना करो, डिसलाइक बोट के प्रोडक्ट को डिसलाइक करो, हमारी वीडियो को तो लाइक करो सच बोलने के लिए। चल करते हैं भाई, अब तो लटका दिया, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? एटीएम करो। गाने ना चलो। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ऑप्टिकल मंगवाई भाई, मुझे लालच था कि टीवी का स्पीकर भी साथ बजेंगे और अपना जो ये है ये भी बज जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है अगर आप उसके थ्रू बजाते हो, कि ये टीवी से कंट्रोल नहीं होता। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ से ये आवाज कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो ये टीवी से कंट्रोल नहीं होगा, ये हमको सेपरेट रिमोट से इसकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी पड़ती है, इससे बस इसके इंटरनल स्पीकर्स की होती है। तो भाई मैं ऑप्टिकल तो वेस्ट चीज है यार एकदम ही, आप मतलब हम दो वो क्यों पाले, इसलिए मैं ऑक्स जो इसके साथ आई है ना, इससे ऑक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरा ऑप्टिकल तो भाई वेस्ट हो गया, ऑप्टिकल मतलब इससे अच्छा HDMI ले लो, HDMI से हो जाता है ये कंट्रोल। मतलब टीवी से आप वॉल्यूम कम करोगे इसकी ऑटोमेटिकली होगी। अब दो रिमोट का झंझट कौन पालेगा, इसलिए हटा रहा हूँ यार ये ऑप्टिकल वाला, तो ऑक्स पे कर दूंगा इसको। यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं यार ये क्या कंपनी है यार बोट। अब भाई इनका ये चलता ही नहीं, ऑक्स में तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैंने इनकी केबल लगाई है, देखो ऑक्स पे है, और मैं दिखाऊँ आपका फुल आवाज कर रखी है मैंने, देखो ये देखो फुल है, ये कुछ भी आवाज ही नहीं आ रही यार इसमें तो भाई यार। अब मैं HDMI लगा रहा हूँ। अरे हट ना यार, क्या फालतू बात चल रही है। अरे भाई दिमाग मेरा चट गया है बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड मंगवा के HDMI केबल और है मेरे पास, ये और लगा रहा हूँ वरना इसमें बता रहा हूँ मैं इनको। भाई अब HDMI केबल लगाई है, ये सक्सेसफुली चल गई है, टीवी से रिमोट से सारा कंट्रोल हो रहा है। और एक और चीज देखो, यहाँ पे अब दूसरे तरीके से आता है HDMI का, जो हम करते हैं ना तो रिमोट से टीवी का देखो वहां से हट गया है नंबर जो पहले आया करता था, अब सीधा जब मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से तो यहाँ पे ये साउंड बार का बढ़ रहा है। HDMI सिस्टम ठीक है, लेकिन इसमें ये कि टीवी के इंटरनल स्पीकर्स नहीं चलते, केवल साउंड बार ही चलता है। मैंने अब ये फाइनली HDMI खरीदो, सबसे बेस्ट है भाई अगर आपको इसे कनेक्ट करना है। ऑक्स वॉक्स आज के जमाने की चीज गई, HDMI मेरे को तो बढ़िया लगा। अगर साउंड बार मैं बंद कर दूंगा ओनली टीवी पे, तो टीवी के स्पीकर अपने आप बजने लग जाएंगे, मुझे कुछ सेटिंग नहीं छेड़नी पड़ती LG का ये। और अगर मैंने साउंड बार ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली साउंड बार में से आवाज आने लग जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी इसका रिव्यू दूं ना मैं भाई जेन्युइन, इस बोट ओरियन 160 वोट का। पहले मेरे ख्याल से इसका कुछ और मॉडल आया करता था जिसमें डिजाइन थोड़ा अलग था, बढ़िया से लगता था ग्लॉस में, थोड़ा अलग कर दिया है भाई। देखो ऐसा नहीं है कि आपके घर को अधर उठा देगा या फिर बेस बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो ये ना, अगर आपको तेज आवाज चाहिए, टीवी से थोड़ी तेज आवाज चाहिए, तो उसके लिए ये। और फुल पे भाई इसमें आवाज फटती है आपकी, तक कानों में चुभती है। मैंने खूब सेटिंग कर ली रिमोट से, मतलब मुझे वर्थ नहीं लगा भाई बिल्कुल भी। मैं आपको ये कहूंगा 7,500 रुपये, और अमेजोन पे तो 8,500 रुपीज का है, 7,500 तो बोट की साइड से कूपन लगाने के बाद, तो 8,500 रुपीज में तो बिल्कुल ना भाई मेरी तरफ से। मतलब फुल पे कानों में आवाज चुभ रही है, ट्रेबल बहुत ज्यादा है, बेस आ ही नहीं रहा है, किसी किसी गाने में थोड़ा बहुत आ रहा है, बाकी ऐसा ही है भाई, आई डोंट लाइक इट, कुछ और देख लो, सबसे बढ़िया ये रहेगा। वीडियो लेने का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।